देश की सुरक्षा और देश में जो आतंकवादी अलगाववादी देश की सुरक्षा के दुश्मन हैं उनका खात्मा हो, इस संकल्प को लेकर के, इस संकल्प को दोहराने को लेकर के हम पूरे देश में संकल्प के लिए धरने पर बैठे हैं। और पुलवामा में जो कुछ भी घटना हुई है निश्चित तौर से उससे देश दुखी भी है और साथ ही साथ देश ऐसी तमाम आतंकवादी और अलगाववादी और शैतानी ताकतों के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध भी है। अभी पूरे देश में इन मोदी जी के नेतृत्व में इन 4.5 सालों में ये आतंकवादी और अलगाववादी देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी और शैतानी हरकतें करने में कामयाब नहीं हुए जो कि पहले किया करते थे। लेकिन निश्चित तौर से जो कुछ भी पुलवामा में हुआ है वो अक्षम्य है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है और उसकी सजा उनको सूद ब्याज के साथ। आप देख रहे हैं।